Oh, yeah. एक तो जो डिपार्चर एंगल आउच, ये एक यादगारी जो है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम ऑलरेडी संडे ऑफ रोड के लिए थोड़ा लेट हो चुके हैं। आज का जो ट्रैक रहने वाला है वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक है और ट्रैक डिस्क्लोज हम ऑफ रोड पे जाके ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली जो है हम ट्रैक पे पहुँच चुके हैं। वो आगे हमारी जा रही है रैंगलर रूबिकॉन और पीछे हमारी आ रही है स्कॉर्पियो और हल्क थार। और ये जो व्यू है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आज के जो हमारे पायलट हैं वो मानिक भाई हैं। मानिक भाई मज़ा आ रहा है। और ये आता हुआ हमारा मॉन्स्टर। आराम से। और ये जो स्कॉर्पियो है ये 4x2 है। बहुत बढ़िया। मैं बता रहा था कैसे होता है। फुल पार। रहने दो, रहने दो। और ये गाइस पिछला बम्पर जो है टच होने वाला है। एग्जैक्टली और ये हमारे रेकलेस ऑफ रोड। आउच, ब्रेक, बम्पर बम्पर, पिछला बम्पर। आस्ते 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 रास्ता बन गया। ब्यूटीफुल। उस दिन रेडिएटर वाली वीडियो किसी और ने डाल दी। आ गया रूप, आ गया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, सारा लाओ। ओए फ्यूल कंट्रोल देखिए जंप। अभी यहीं से आने वाली है स्कॉर्पियो। ये ऊपर टूटेगा, ऊंचा जा रहा है, नहीं टूटेगा। ओए पे भाई। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। फ्रंट मेटल बम्पर का काफी फायदा रहता है हमेशा ऑफ रोडिंग में। एक तो जो डिपार्चर एंगल आउच, पीछे देखो पीछे। एक तो जो ये एक यादगारी जो है स्कॉर्पियो ने गिफ्ट किया है थार को। किधर है, किधर है? आ गई। और ये है कुछ पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ रोडिंग के। ये है फर्क कुछ मॉन्स्टर थार और स्टॉक थार में।
कितनी वाइड थार हमारी लग रही है। तो अभी हम आगे ट्रैक पे जा रहे हैं जहाँ हमें उम्मीद है हमें काफ़ी अच्छे जो ऑब्स्टेकल्स मिलने वाले हैं। और वो घड़ी है रैंगलर की रूबीकॉन, पेट्रोल थार ऑटोमेटिक एंड ये 4x2 स्कॉर्पियो जो कि फंस चुके हैं। हम इसको रिकवरी करेंगे और रिकवरी भी इसकी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ मिड डे हो चुका है और हम यहाँ पे जो है लंच की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे चिकन बन रहा है और यहाँ जो है मैगी बन रही है। ये आई डिगी भाई, आप क्या बताना चाहते हो? इसके अंदर मटन भी है, अच्छा चिकन भी है, ओके मसाला भी है, प्याज भी है और भाइयों का प्यार भी है। भाइयों का प्यार सबसे ज्यादा है। चिकन सीख कबाब, हमने कटा हुआ सीख कबाब लाया हुआ है। घी है और ये मैगी भी चिकन मैगी है। इसमें हमने मटन वगैरह ऐड करा है और ये यहाँ पे चिकन कबाब और मटन कबाब है, बहुत कुछ है। ओके अभी देखो इसमें हमने वो भी डाली, न्यूट्री भी डाली है, देख रहे हो ऊपर फ्रेंच फ्राइज है। सॉरी 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 सॉरी, वेज वाला है ही नहीं कोई भी है। नहीं वेज जब आएगा पूरे उसके लिए वेज हम अलग से लाएंगे। कट कर देना प्लीज, दो दो कढ़ाई है, कट कर देना प्लीज, इसको काट देना, इसको काट देना, इसको काटे, इसको काटे। तो यहाँ से हमने पैकअप कर लिया है और यहाँ पे हमने कोई भी प्लास्टिक वेस्ट या कोई भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं छोड़ा है और यहाँ से हम पैकअप करके आगे जा रहे हैं ऑफ रोडिंग के लिए। स्कॉर्पियो को जो है हम अपनी मॉन्स्टर थार से जो है पुल करने वाले हैं और डिगी भैया कह रहे हैं कि ये थार नहीं पुल कर पाएगी तो हम निकालेंगे। तो ये डिगी भाई जानबूझ के जो है इसको और डिग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि थार से जो है स्कॉर्पियो नहीं पुल कर पाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। ऐसे गाड़ी खींच हो जाएगी आसानी से। तो ये है हमारे द गबरू दी डिगी भाई, बोल रहा फसा के बता दो, मैंने फसा के बताई। और ये हल्क फंस चुकी है